रविवार लॉकडाउन से अब इंदौर प्रशासन नाकाम होता नजर आ रहा है। आज लॉकडाउन होते भी लोग अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं, सड़कें भीड़ से भरी नजर आ रही है। बारिश अब लॉकडाउन की तरह पैर फंसा चुकी है। लगातार 3 दिनों से रिमझिम बारिश का दौर थमता नजर नहीं आ रहा है। ट्रैफिक चौराहों पर गाड़ियों की भीड़ दिखाई दे रही है। इंदौर के आसपास निकट टूरिस्ट स्पॉट पर बारिश के बावजूद भी लोगों की भीड़ नजर आ रही है। ऐसे में जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन की सख्ती कहीं भी नजर नहीं आ रही। इंदौर ब्यूरो के साथ मंथन सेन और दीपक सिंह की रिपोर्ट। इंदौर में रविवार टोटल लॉकडाउन के चलते अब इंदौर में अनलॉक की तरह ही कुछ नज़ारा दिखने जा रहा है। लॉकडाउन की पूरी तरीके से असफलता नजर आ रही है। देख सकते हैं आप इस तरीके से कि लोग आवाजाही अब अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं, किसी न किसी तरीकों के, किसी न किसी द्वारा और किसी न किसी मुद्दों के द्वारा अब लोग अपने घरों से बाहर निकलते आ रहे हैं लॉकडाउन में। और इस तरह बारिश भी अब अपना कसर नहीं छोड़ रही पूरी तरीके से। लगातार इंदौर में 3 दिन से बारिश थमने का असर नहीं ले रही थी और आज लॉकडाउन का असर इस पर ज़्यादा पड़ा था। उसके बावजूद भी इंदौर की जनता ने आज पूरा तरीके से इस लॉकडाउन को असफलता नजर करते हुए आई है। कैमरा पर्सन दीपक सिंह के साथ मंथन सेन, SW24 मध्य प्रदेश। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।